जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल यस के एक्सीलेंस ट्यूटोरियल में। तो दोस्तों, आज हम लोग प्रश्नावली 7A का क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे, जो कि डॉक्टर मनोहरे के गणित से कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे, y का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु P जिसका निर्देशांक दिया है 2-3 और Q जिसका निर्देशांक दिया है 10 और Y के बीच की दूरी 10 मात्रक है। ठीक है, तो Y का मान है जो Y है इसमें, इस Y का मान हम लोगों को ज्ञात करना है। ठीक है, तो आइए इसको स्टार्ट करते हैं बिना कुछ कहे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखेंगे हल। ठीक है, और हल में जो है आप लोग जानते ही हैं कि जो दिया है वो लिख लेते हैं। तो हम लोग को क्या दिया है क्वेश्चन में, तो 2 गो बिंदु दिया है, 2 बिंदु दिया है। एक बिंदु क्या है, तो P है जिसका निर्देशांक 2 और -3 है ना। और एक बिंदु जो है क्या है, तो एक बिंदु दिया है Q और जिसका निर्देशांक क्या है, तो 10 है और Y है। ठीक है, 10, Y है। ठीक है, और क्या दिया है, तो 2 बिंदु के बीच की दूरी भी दे रखा है, यानी कि हम लोग को d दे रखा है। ठीक है, तो d बराबर भी दे रखा है 10। ठीक है, ये भी दे रखा है। ठीक है, तो अब हम लोग जो है, चूंकि y का मान ज्ञात करना है, तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, 2 बिंदु के बीच की दूरी दिया है ना, तो 2 बिंदु के बीच की दूरी दिया है तो इसी से तुलना करना पड़ेगा। ठीक है, तभी जाके निकलेगा। तो हम लोग जानते हैं कि d बराबर क्या होता है, तो d बराबर क्या होता है हम लोग जानते हैं कि डी बराबर जो है क्या होता है, तो इतना बराबर जो है डी के होता है, कितना कि -x2 बराबर -x2 का होल ऑफ स्क्वायर प्लस एन सूत्र होता है y1 - y2 का होल ऑफ स्क्वायर। ठीक है, मैंने इसको जो है आपके किताब में जो है बराबर हो जाता है डी। ठीक है, मैंने डी बराबर है इतना, चाहे इतना बराबर डी। ठीक है, अब चूंकि हम डी इधर इसलिए लिख रहे हैं ताकि डी का मानवा 10 इधर लिखेंगे तो इस समीकरण को सॉल्व करने में आसानी रहेगा। ठीक है, तो इसीलिए। ठीक है, अब देखिए, इस सूत्र को आपके किताब में जो है ऐसे भी दिया होगा कि x2 - x1 का होल ऑफ स्क्वायर। ठीक है, लेकिन ऐसे भी दिया होगा x1 - x2 का होल स्क्वायर, यही हमको सीधा लगता है। ठीक है ना, तो x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस में y1 - y2 का होल ऑफ स्क्वायर बराबर डी। ठीक है, तो ये 2 बिंदु दिया हुआ है, 2 बिंदु का मतलब ये समझ लीजिए कि P है, Q है, यानी कि कोई रेखा है ये ऐसे है, तो एक बिंदु P है, एक बिंदु Q है, तो इसका निर्देशांक क्या है, इसका निर्देशांक, तो इन दोनों के बीच की दूरी निकालने का सूत्र ये होता है। हम लोग जानते हैं कि डी बराबर क्या होता है, तो अंडर रूट में x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस में y1 - y2 का होल ऑफ स्क्वायर होता है, ये हम लोग जानते हैं। ठीक है, तो अब इसमें हम लोग को जो इसका मान भर देना है, कहाँ से भरेंगे, यहाँ से। इसको पहला बिंदु है तो इसको x1 और y1 मान लेते हैं, और जो है ये दूसरा बिंदु है तो इसको x2 और y2 मान लेते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत, अब यहीं से मान भर देंगे। ठीक है, तो सीधा इसलिए लगता है कि इसमें से फट दे इसको घटा देते हैं, इसमें से फट दे इसको घटा देते हैं। आ जो इस जो उल्टा दिया रहता है कि x2 - x1 घटाइए, तो उस सूत्र में जो थोड़ा दिक्कत होता है, तो इसलिए हम इसको सिंपल समझते हैं। ठीक है, आ ये भी जो है सही है, वो भी सही है, मैंने एक हाइयो सूत्र तो आप लोग जानते ही होंगे कि x2 - x1 का जो है होल ऑफ स्क्वायर प्लस में जो है y2 - y1 का जो है होल ऑफ स्क्वायर होता है ना, ये डी बराबर है, एक सूत्र ही होता है ना, तो एक सूत्र जो है यही होता है, इसी सूत्र का जो है थोड़ा सुधरा हुआ रूप क्या है, तो ये है। ठीक है, तो हम जो है इसी से जो इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, मैंने अब हम जब भी सवाल बताएंगे तो इसी से विकट परिस्थिति में जो है हो सकता है उससे बताएं। ठीक है, लेकिन दोनों सूत्र जो है चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, बस इतना कन्फर्म रखिए। ठीक है, तो अब इससे जो हम 2 बिंदु के बीच की दूरी रखेंगे, अब इसका जो मान रखेंगे यहाँ से, तो x1 का मान 2 है, तो अंडर रूट में यहाँ पर लिख देंगे x1 का मान 2 है, तो यहाँ पे लिखेंगे क्या 2, यहाँ पे देखिए x1 का मान 2 है, तो यहाँ पे लिख देंगे, मैंने इस सूत्र में भर रहे हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे 2, और फिर माइनस है तो माइनस, फिर x2 का मान, तो x2 का मान देखिए यहाँ पे 10 है, तो यहाँ पे लिख देंगे 10, और इसका वर्ग कर देंगे। ठीक है, और प्लस है तो प्लस, और फिर जो है अब यहाँ पे देखिए y1, तो y1 का मान जो है क्या लेंगे हम लोग, -3, ये ना y1, तो y1 का मान जो है क्या लेना है, -3। ठीक है, आ फिर जो है y1 - y2, तो y2 का मान क्या लेना है y, तो माइनस में ले लेंगे क्या, माइनस में
सूत्र में माइनस है तो माइनस लेंगे, आ ये तो है प्लस में है तो प्लस में लिखेंगे, तो चलिए ना ऐसे लिख दीजिए। तब प्लस में मान लीजिए प्लस में तीन है ना का, देखिए वाई वन का मान जो है क्या है तो माइनस तीन, तो माइनस तीन रख दिया ठीक है, यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस है ठीक है, माइनस तीन मान रख रहे हैं ठीक है, तो वाई वन का मान माइनस तीन हो गया ठीक है। दो को ब्रेकेट हो रहा है तो एक और मझला ये जो है ये वाला ब्रेकेट लगा दिए, तो इसके बाद ये वाला ब्रेकेट लगाएंगे और क्लियर करने के लिए ठीक है। तो माइनस तीन रख दिया वाई वन का मान ठीक है, उसके बाद से माइनस है तो माइनस रख दिया, और फिर वाई टू का मान, तो वाई टू का मान जो है कितना है वाई है, तो यहाँ जो है प्लस में वाई लीजिए चाहे ऐसे डायरेक्ट है वाई रख दीजिए, नहीं रख देंगे ठीक है, आ ऐसे कर दीजिए इसका वर्ग कर दीजिए ठीक है, तो कोनो दिक्कत नहीं होना चाहिए ठीक है। आ ई बराबर है किसके, तो डी, या डी का मानवा जो है दिया हुआ है दस, तो इतना लिख देंगे दस ठीक है, तो अंडर रूट में फिर इसको लिख लेंगे ठीक है। तो द यहाँ देखिए दो और माइनस में दस है, आ इसका वर्ग है, तो सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे ब्रैकेट के अंदर जो अंक है, तो दस में से जो है दो घटा लेंगे चिन्ह माइनस का, क्योंकि माइनस वाला बढ़ा ना अंक है ठीक है, तो चिन्ह माइनस वाला रखेंगे, तो माइनस में लिखेंगे आठ, अब वर्ग है तो इसका वर्ग लिख देंगे ठीक है। यहाँ देखिए प्लस है तो प्लस, अब देखिए माइनस तीन और माइनस, देखिए माइनस तीन और माइनस वाई का होल ऑफ स्क्वायर है, तो माइनस तीन और माइनस वाई का जब होल स्क्वायर करेंगे होल ऑफ स्क्वायर ठीक है, तो देखिए ना अब जब इसको जो है माई आई ए का स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर कर का सूत्र याद होना चाहिए, तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर का सूत्र क्या होता है कि ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस में टू ए बी होता है ना, माइनस में टू ए बी। अब यहाँ पे देखिए तो जब हम लोग इसका वर्ग करेंगे तो इसका वर्ग होगा तो ये प्लस में आएगा ठीक है, और ये प्लस में आएगा तो यहाँ पे लिखेंगे प्लस में थ्री, तो प्लस में ही लिख देते हैं थ्री ठीक है, और स्क्वायर लिख देंगे ठीक है। फिर इसका भी वर्ग होगा प्लस में, इसका भी वर्ग होता है ना, यहाँ पे देखिए प्लस ठीक है, तो यहाँ पे देखिए प्लस हो जाएगा, और इसका वर्ग करेंगे तो वाई का वर्ग होगा ठीक है। अब यहाँ देखिए अब माइनस में होता है, माइनस में टू आ ए बी, ए बी का मतलब मैंने ये ए के जगह पे ले लीजिए इसको, बी के जगह पे इसको ले लीजिए, तो ए के जगह पे माइनस तीन रखेंगे तो गुणा माइनस तीन, और गुणा बी, तो बी के जगह पे जो क्या रखेंगे वाई ठीक है, बी के जगह पे अभी वाई रखेंगे ठीक है, तो यहाँ पे जो है क्या आ जाएगा वाई रखेंगे, तो यहाँ पे आ गया वाई ठीक है, ठीक है यहाँ पे आ गया वाई। अब नहीं समझ में आता तो समझाते हैं, रुकिए ना ठीक है, हो गया वाई ठीक है। अब जो है ये वर्ग विस्तृत हो गया ठीक है, इसका जो हम लोग ने इसका वर्ग कर लिया ठीक है, मैंने जो है अब देखिए माइनस में ही रहेगा ठीक है, तो इसको जो है अब हम लोग जो मझला कोष्टक के अंदर में लिख देते हैं ठीक है, नहीं मझला कोष्टक नहीं छोटा कोष्टक लगाइए, क्योंकि मझला कोष्टक हट गया तभी ना वर्ग हुआ है, अब छोटा कोष्टक लगा दीजिए ठीक है। अब बराबर लिख दीजिए दस, देखिए इसको जो हम लोग सॉल्व करेंगे तो माइनस में तीन है, अब माइनस में जो है क्या है वाई है, और इसका जो हम लोग वर्ग कर रहे हैं ठीक है, तो ध्यान रखिएगा जब भी यहाँ अभी माइनस है, अभी माइनस है, इसका वर्ग करेंगे ना तो निधड़क बिना सोचे समझे इसका भी वर्ग कर दीजिए, सब प्लस में कर दीजिए ठीक है, अब वाई का भी वर्ग कर दीजिए, और इसको भी जो है वर्ग कर, इसको भी जो है प्लस में कर दीजिए, किसको टू मैंने दो ए बी, तो दो ए बी का मतलब दो तीन इंटू वाई कर दीजिए, बस मैंने तीनों का जो है प्लस ही आएगा, जैसे कि यहाँ ये भी माइनस है, खाली वही माइनस रहता तब तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर करते, ए माइनस बी का होल स्क्वायर तब क्या होता है ए का स्क्वायर प्लस में बी का स्क्वायर माइनस में जो है क्या हो जाता टू ए बी होता है ना, तो यहाँ माइनस रहता जब अकेले माइनस रहता है, भाई दोनों माइनस है तो जब दोनों माइनस होगा तो सब प्लस में आएगा, बस यह अंतर है, तो इसी तरह अभी भी आएगा ठीक है। तो यहाँ पे देखिए तो अंडर रूट में अब इसको क्या लिख देंगे माइनस में, अब आठ हटाएं चौंसठ, देखिए माइनस आठ का वर्ग करेंगे तो माइनस गुणा माइनस प्लस हो जाएगा, आठ हटाएं चौंसठ तो जो है प्लस में चौंसठ आएगा, तो इसको लिखेंगे चौंसठ ठीक है, प्लस में चौंसठ लिखने की जरूरत नहीं है, चौंसठ लिख देंगे ठीक है। अब यहाँ पे देखिए इसको सॉल्व कर लीजिए, तो यहाँ प्लस है तो प्लस रहने दीजिए, और इसको वर्ग करेंगे तो तीन तरीके नौ हो गया, अब प्लस में वाई का स्क्वायर हो गया, और देखिए माइनस माइनस का गुणा होगा तो प्लस में हो जाएगा, तीन गुना छः वाई हो जाएगा, अब बराबर है इधर लिख देंगे दस ठीक है, इधर दस चलता ही आएगा ठीक है। अब इसको और सॉल्व करेंगे तो क्या हो सकता है, अब देखिए ये जो है नौ और चौंसठ जोड़ दीजिए तो नौ चौंसठ कितना हो जाएगा, नौ चार नौ चार तेरह के तीन, अच्छा एक सात तिहत्तर हो जाएगा, अब प्लस में जो है वाई का स्क्वायर, अब प्लस में जो है छः वाई हो जाएगा, आई बराबर हो जाएगा दस के ठीक है।
अब देखिए अंडर रूट को इधर लाएंगे तो क्या होगा, वर्ग हो जाएगा। जैसे ए का स्क्वायर बराबर अगर 100 दिया है तो इसको जो है क्या करते हैं इधर ले जाते हैं तो ये रूट होता है ये हट जाता है, ये रूट हो जाता है। तो जब भाई रूट हुआ इधर आएगा तो इधर वर्ग हो जाएगा। तो कहने का मतलब है भाई रूट इधर आएगा तो ये वर्ग हो जाएगा, ठीक है, ये वर्ग हो जाएगा, ठीक है। तो अब इसको कैसे लिख सकते हैं हम लोग, 73 अब प्लस में वाई का स्क्वायर अब प्लस में 6y। भाई वाई का मान निकालना है तो कैसे निकालेंगे ये हम लोग कर रहे हैं, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। तो वाई का मान कैसे आ रहा है आप लोग देखते जाइए। अब बराबर अब जो देखिए अब दो रूट हटाएंगे तो इधर वर्ग हो जाएगा, तो इधर लिख देंगे वर्ग, 10 का वर्ग। तो 10 का वर्ग कितना हो जाएगा, 100। चलिए यहाँ पर 10 का वर्ग करके तब अगला स्टेप में जो है 100 करेंगे, ठीक है। तो 10 का वर्ग हो जाएगा, मैंने रूट हटा रहे हैं तो इस पर वर्ग हो जाएगा, ठीक है। यानी कि यहाँ पे दिखा दिए इसको हटा के, यहाँ पे दिखा दिए वर्ग, ठीक है। अब देखिए देखिए हम जो है ये मान के चलते हैं कि बहुत ही जो है नॉर्मल स्टूडेंट हमें हमारे वीडियो को देख रहे हैं, तो जिन्हें हर एक बेसिक चीज़ों को जो है बताना ज़रूरी है, इसलिए इन सब छोटे छोटे चीज़ों को बता रहे हैं। और ये बहुत ही नॉलेज वर्धक हैं, क्योंकि जो बिल्कुल मैथ नहीं पढ़ा होगा ना वो भी जो है समझ पाएगा इस सवाल को, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 10 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे तो वही लिख दीजिए, 73 + y² प्लस में 6y अब बराबर जो है 10 × 100 हो गया, ठीक है। 10 का वर्ग का मतलब 10 × 10, तो 10 × 100 हो गया, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए अब जो है 73 को भी इधर ला दीजिए, ठीक है, चाहे 100 को इधर लाइए, क्योंकि इसका देखिए अब हम लोग को द्विघात समीकरण प्राप्त हो रहा है। तो जब द्विघात समीकरण प्राप्त हो रहा है ना धीरे धीरे, तो द्विघात समीकरण का मतलब जो है समझ लीजिए कि मध्य पद को बांट के इसका गुणनखंड करना है हम लोगों को, ठीक है ना। तो इसलिए अब 73 है तो 100 को इधर ला देते हैं, तो इसको जो है थोड़ा सिस्टमेटिक लिख देते हैं, वाई स्क्वायर को पहले, उसके बाद 6y को जो है बाद में, इसके बाद जो है प्लस 73 लिख देते हैं वाई वाला, हाई माइनस को 100 इधर ला रहे हैं बराबर के इधर, बराबर के जब इधर लाएंगे 100 को तो जो है क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सॉरी माइनस में हो जाएगा 100 माइनस में ना हो जाएगा, जब बराबर किधर आएगा तो ठीक हो जाएगा 100, तब बराबर हो जाएगा 0, तब बराबर हो गया 0। अब इसका हम लोग गुणनखंड करेंगे, तो एक स्टेप और बढ़ते हैं। तो इसके एक स्टेप और बढ़ेंगे तो वाई का स्क्वायर अब प्लस में जो है क्या हो जाएगा 6y, आ देखिए 100 में से 73 घट जाएगा, तो 100 में से 73 घटेगा तो चिन्ह अधिका है 100 वाला यानी कि माइनस वाला, तो माइनस वाला चिन्ह अधिका यहाँ माइनस आ जाएगा। 100 में से 73 घटाएंगे तो ये हो जाएगा 7, 10 में से 3 × 7 यहाँ बजे 9 में से 7 × 2 तो ये हो जाएगा 27, अब बराबर हो गया 0, ठीक है। तो अब हम लोग जो है क्या करेंगे भाई, इसका गुणनखंड कर लेंगे, ठीक है। तो गुणनखंड करेंगे तभी वाई का मान निकलेगा, ऐसे तो निकलेगा नहीं, तो गुणनखंड कर लेंगे। अब कैसे गुणनखंड करते हैं, गुणनखंड करने का क्या नियम होता है मध्य पद को बांट के, देखिए नियम यह होता है कि यहाँ जौन अंक है, यहाँ कुछ अंक नहीं दिख रहा है, इसका मतलब समझ लीजिए एक है, ठीक है। अगर 5 रहता तो 5 दिखाई देता है, लेकिन एक जो है लिखा नहीं जाता है। तो यहाँ जौन अंक रहेगा, जौन भी अंक हो, उसका जो हम लोग क्या करते हैं इस वाले अंकों में गुणा कर लेते हैं, इस वाले अंकों में गुणा कर लेते हैं। एक स्टेप ही हो गया, प्रथम स्टेप करते हैं कि इसका इसमें गुणा कर लेते हैं, तो एक का जो है 27 में गुणा किया तो 27 हो गया, ठीक है, पहला स्टेप, फर्स्ट स्टेप। अब सेकेंड स्टेप में क्या करते हैं गुणनखंड करने के लिए, कि इसको जो है गुणनखंड छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित कर देते हैं, ठीक है। काहे लिए करते हैं अभी बताएंगे। तो इसको जो है 3 × 9 × 27 हो गया छोटे छोटे गुणनखंडों में, मैंने एकदम छोटे छोटे, ये नहीं कहा भैया 9 लिख दीजिए या 3 लिख दीजिए ना, एकदम छोटे छोटे अभाज्य गुणनखंड के रूप में इसको जो है प्रस्तुत कर दीजिए, ठीक है। इसको जो है इसलिए जो है प्रस्तुत करते हैं कि ताकि इनके गुणनखंडों से हम लोगों को दो गो ऐसे जोड़ा ज्ञात करना है, ताकि जो है इसमें इन गुणनखंडों से दो ऐसे जोड़े ज्ञात करने हैं, जैसे कि 9 है आई 3 है, ठीक है, दो गो जोड़ा हमने बना दिया इससे, ठीक है, 3 × 9 = 3, ठीक है। का कैसे जो है 9 × 3 बनाया है, देखिए इसमें जो इस शर्त है कि इस गुणनखंड से दो गो ऐसा जोड़ा बनाना है, ठीक है, ताकि इनको जोड़ घटाना करने पर इतना मध्य पद के बराबर आ जाए, ठीक है, माने जोड़ें चाहे घटाएं, ठीक है, तो इतना आ जाए, और गुणा करें इन दोनों संख्याओं को तो इतना इन दोनों के गुणनफल के बराबर यानी कि इसके बराबर आ जाए। तो भाई गुणनखंड से बना रहे हैं दो को जोड़ा, तो क्लियर है कि जो गुणा करेंगे तो इसके जो है गुणनफल के बराबर होगा ही होगा, ठीक है। तो खाली हम लोग को जो है क्या जोड़ा ऐसा बनाना है कि जो है क्या हो जाए मध्य पद के बराबर आ जाए, ठीक है। तो जो हम लोग का जो जोड़ा बन गया है, कैसे, देखिए 9 × 3 = 27 हो जाएगा, इसके बराबर हो ही जा रहा है।
आप प्लस में 9 में से 3 घटा देंगे तो 6 प्लस में हो जाएगा। तो बस इसको प्लस ले लेना है, इसको माइनस। अब इनको जो घटाएंगे तो आराम से जो है प्लस मध्य पद के बराबर आ ही जा रहा है, दोनों को गुणा कर रहे हैं तो इसके बराबर हो ही जा रहा है। इसका मतलब हम लोगों को दो को जोड़ा है जो निकाले हैं एकदम सही निकाले हैं, ठीक है। तो अब इसमें जो हम लोग जो है इसको जो है मैंने इस 6y को जो हम लोग लिख सकते हैं प्लस में 9y या माइनस में 3y लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा कि किसको पहले रखेंगे या किसको बाद में रखेंगे, तो आप लोग हमेशा याद रख लीजिए सबसे छोटा वाला को पहले लिखिए, मैंने इसका दो जोड़ा बन रहा है, ठीक है। मैंने अब वाई का स्क्वायर प्लस में हाई जो है आप लोग मत दिखाइएगा, समझाने के लिए दिखा रहे हैं। तो 6y को हम लोग क्या लिख सकते हैं, एक अलग तरीके से लिख सकते हैं, माइनस में 3 रखिए पहले, ठीक है भाई। यहाँ प्लस है, इसी को तोड़ के हम लोग इसको दो बराबर भागों में बांटे हैं, तो इसको जो ऐसे भी लिख सकते हैं 6y को, कैसे 3y प्लस में 9y बराबर 6y हो जाएगा ना भाई, प्लस में 9y माइनस में 3y तो 6y न हुआ, अब माइनस में जो क्या हो गया 27 बराबर हो गया 0 के, ठीक है। तो अब जो है हम लोग को जो है आराम से गुणनखंड निकल सकता है। तो यहाँ पे देखिए वाई का स्क्वायर है वाई है, तो वाई कॉमन निकल जाएगा, तो क्या बचेगा वाई और माइनस में 3, यह ना बचेगा। देखिए जौन अंक यहाँ कॉमन लीजिएगा ना, जौन अंक यहाँ पे कॉमन उसी अंकवा से इसमें भाग दे दीजिए, तो जौन बचेगा यहाँ बचेगा, जैसे कि वाई स्क्वायर में वाई से भाग देंगे तो वाई होगा तो ब्रेकेट के अंदर वह आएगा, ठीक है अंदर आएगा, ठीक है। और यहाँ पे देखिए 3y में y से भाग देंगे तो y से y कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आएगा 3, तो ब्रैकेट में आ गया 3। तो इसीलिए जो है मैंने अगर इसको कामा जो बाहर निकाल रहे हैं कामन अंक, तो जो है उसको बाहर निकालेंगे। अच्छा ऐसे भी देखिए इसमें 2 गो वाई है, 1 गो वाई बाहर ही निकला, तो क्या गो वाई बचा। आइए देखिए यहाँ 3y अकेले वाई है, 1 गो बाहर ही निकल गया, तो जो अकेले 3 ना बचेगा, तो ऐसे भी कामन निकाल सकते हैं, जैसे समझ लीजिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ प्लस है तो प्लस, अब भाई 9y है माइनस में जो है 27 है, ठीक है। तो इसमें से क्या कॉमन निकल सकता है, 9 डायरेक्ट कॉमन ले लीजिए, ठीक है वाई अब माइनस में जो है 3, अब बता रहे हैं, ठीक है डायरेक्ट कैसे। तो देखिए 9 लेने से फ़ायदा क्या हुआ, पहले हमको दिख रहा है कि 9 का 9 हो जाएगा, 9 3 27, यानी कि इस ब्रैकेट में भी जो है वाई माइनस 3 आ गया, इसमें भी वाई माइनस 3 आना चाहिए, ठीक है ना। आपका गुणनखंड तभी सही होगा जब इस ब्रैकेट में और इस ब्रैकेट में समान अंक आए, जैसे कि वाई माइनस 3 इसमें भी आया, वाई माइनस 3 इसमें भी आया कॉमन लेने के बाद, ठीक है। तो समझ लीजिए गुणनखंड सही आया है, ठीक है बराबर 0 कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे जो है क्या हो जाएगा, अब इसको और इसको एक ब्रैकेट में लिख लेते हैं, मैंने ये नियम है कि इसको इसको एक ब्रैकेट में लिख देंगे, तो वाई अब प्लस में 9 लिख देंगे, ठीक है। आ इसमें से जो है ए को ले लेंगे, ठीक है इसमें से ए को ले लेंगे, ठीक है आप गुणा के रूप में लेंगे, ठीक है इसको इसको जोड़ के ब्रैकेट बंद कर देंगे, यहाँ गुणा का चिन्ह दर्शाएगा, ठीक है। और इसमें से ए को ले लेंगे, अब बराबर कर देंगे 0, ठीक है। अब देखिए ये 2 गो अंक है, मान लीजिए कोई भी ये दोनों अंक हैं, और दोनों का गुणनफल अगर 0 है तो इसका मतलब हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है इतना बराबर 0 है तो इसका मतलब हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसका मतलब हम लोग लिख सकते हैं, इसका मतलब हम लोग लिख सकते हैं कि वाई प्लस 9 बराबर 0 होगा, मैंने या तो y का मान 0 होगा तब ना इसमें गुणा करेंगे तो 0 आएगा इधर भी, नहीं तो इसका मान 0 होगा, या y माइनस 3 बराबर 0 होगा तब ना जो है 0 के बराबर आएगा, ठीक है। तो एक बार जो है इसको रख के 0 से तुलना कर लेंगे, एक बार इसको रख के 0 से तुलना कर लेंगे, तो y के 2 गो मान प्राप्त हो जाएंगे, तो y बराबर कितना हो जाएगा माइनस में 9, यहाँ जो है जैसे कि 9 को इधर ला देंगे तो 9 को इधर लाएंगे तो माइनस में नहीं होगा, यहाँ पे देखिए y बराबर क्या हो जाएगा प्लस में 3, मैंने माइनस 3 बराबर के इधर आएगा तो क्या हो जाएगा चिन्ह बदलेगा, माइनस से इधर आएगा प्लस हो जाएगा। तो इस प्रकार y के जो है आपके जो है 2 मान प्राप्त हो गए, y के 2 मान होंगे, 2 मान होंगे क्या क्या, माइनस में 9, इसका मतलब जो है देखिए नहीं अगर देखे होंगे तो इसको देख लीजिए क्या, हाँ यहाँ तक नहीं दिखाई दे रहा था ना। अब देखिए मैंने आपको जो y के 2 मान प्राप्त हो गए, कौन माइनस में 9 आई 3, ठीक है। तो ये 2 गो मान आपको जो है प्राप्त हो गए, ठीक है यही दोनों मान में बताना था। अब देखिए भाई नहीं दिखाई दिया होगा तो इसका मतलब देखिए देखिए y प्लस 9 इंटू वाई माइनस 3 बराबर 0 आ रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या कि y प्लस 9 बराबर भी 0 होगा, y माइनस 3 बराबर भी 0 होगा, क्यों, क्योंकि देखिए अब आप कहेंगे कि भाई क्या है, तो देखिए ये बताइए कि दो संख्याओं का गुणनफल 0 के बराबर आ रहा है,
तो देखिए छः में अगर जीरो, अगर यहाँ से जीरो से गुणा करके कोनो दूसरा अंक से गुणा करेंगे, जीरो से गुणा ना करके, तो जो है इधर भी जीरो आएगा नहीं, तो इधर एगो अंक का जीरो करना पड़ेगा तब ना इधर भी जीरो होगा, तब ना जीरो के बराबर बराबर हो रहा है। तो इसीलिए या तो इसको जीरो करेंगे तो ही कोनो अंक रहेगा तब तो वो जीरो आएगा। तो इसीलिए एक बार इतना बराबर जीरो लिख देंगे, एक बार इतना बराबर जीरो लिख के तुलना कर देंगे, तो जो है वाई के दो मान होंगे जाएंगे माइनस में 9 और 3, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो बस आशा करते हैं कि यह सवाल आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो फिर अगर कोई सवाल फंसता है तो आप लोग कमेंट में बताइए, तो फिर हम अगला वीडियो बनाते हैं। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।